वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल डे अनदर व्लॉग ब्लॉग माय लाइफ कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे मैं भी अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में तो जनाब आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जी मेरी मॉर्निंग रूटीन बहुत अरसे से मैंने आपके साथ ऐसी कोई रूटीन शेयर नहीं की थी इतना कुछ लाइफ में हो रहा था इतनी चीज़ें आ रही थी कि बस रूटीन्स को शेयर करने का टाइम ही नहीं मिला तो इवेंचुअली मैंने यहाँ सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करें क्योंकि ये जो होता है ये तो मेरी ज़िंदगी का मस्ट वाला पार्ट है ना रोज़ ये सब चीज़ें होती हैं एवरी डे में सारे काम करती हूँ तो मैंने कहा चले आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने तक सुबह जब मैं उठती हूँ उस वक्त से ले स्कूल जाने तक उस वक्त तक जो मेरा टाइम होता है ना वो इतना तेज़ तेज़ी से गुजरता है इतना बिजी होता है मैं आपको बता नहीं सकती तो जिस दिन मैं इस तरह के व्लॉग्स बनाती हूँ ना तो मुझे अपने आप पे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैंने इतने बिज़ी स्केजुअल के दौरान मैंने व्लॉगिंग कर ली क्योंकि मॉर्निंग में मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर गया इतनी जल्दी टाइम गुजरता है और माशाला चार बच्चे उनको उठाना वो कोई शॉवर लेने जा रहा है तो उसके कपड़े निकाल रहे हैं कोई शॉवर लेके आ रहा है तो उसके नाश्ते बन रहे हैं जब सारे नाश्ते कर लेते हैं तो फिर लंच वगैरह पैक करने होते हैं फिर वन बाई वन ये लोग स्कूल जाते हैं फिर नवीद की भी मसरूफियात साथ में तो ये इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती लेकिन जब मैं व्लागिंग करती हूँ ना तो उस दिन मुझे वाकई फील होता है कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि दिन के वक्त तो मैं ब्लॉग आराम से कर लेती हूँ लाइक जब भी मुझे टाइम मिलता है हेर अंदेर मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ कैमरा पकड़ती हूँ कैमरा लगाना उठाना वो उस वक्त मुझे मुश्किल नहीं लगता लेकिन मॉर्निंग रूटीन में मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि मेरे पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है मुझे पता होता है कि मुझे दि जाना के स्कूल जाना स्कूल के लिए निकलता है तकरीबन 725 पे तो उसकी مصروفियत मुझे 725 तक डन करनी होती है और बाकी इस तीनों बच्चों की مصروفियत मुझे 815 तक डन करनी होती है तो मेरे पास टाइम कम होता है लाइक 530 से लेके 8:00 तक का टाइम 2 2 1/2 आवर्स का टाइम होता है उसमें ये सारे काम मुझे करने होते हैं अभी आज जो मैंने कुछ चीज़ें फिल्म नहीं की वो ये थी कि मैंने सारे बच्चों के नेल्स कट वगैरह किए थे और उसके अलावा क्या किया मैंने हाँ उनके बैक पैस में कुछ चीज़ें मुझे एडअप करनी थी वो मैंने की तो वो उसको मैंने फ़िल्म नहीं की मैं वाकई ही बहुत ज़्यादा उस वक्त यूँ भाग भाग के काम कर रही थी मैं कहीं जल्दी जल्दी काम करवा लो वंस अ वीक मैं इनके नेल्स कट करती हूँ नॉर्मली ऐसा होता है मैं फ्राइडेज़ को करती फ्राइडेज़ को करती हूँ या वीकेंड पर करती हूँ लेकिन आज मीकाईल की किसी नेल में वो एक वो आ गया था उसका नेल क्रैक हो गया था कहता मैं कट कर दें तो मैं बैठी मैंने कहा जो भाई सारे अभी कटवा लो ना हो ना अपने तो ये काम भी सारे सारे साथ चलते हैं और साथ में खाना पकाना बच्चों की तैयारी उनके सॉक्स उनके मिटन्स उनके हेड्स उनके स्नो सूट्स ये सारी चीज़ें वगैरह निकाल के भी मैं ही रखती हूँ अब मुझे पता है बड़े ज़्यादा लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बोलेंगे कि गुल आप अपने बच्चों को खुद क्यों नहीं कहती सारे काम करें तो जनाब आ, मैं हर दफ़ा ये बात मेंशन करती हूँ इस दफ़ा मैं ये बात ज़रूर मेंशन करूँगी कि देखिए हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है अपनी औलाद को वो कैसे पालता है मैं अपनी को ऐसे पाल रही हूँ मैंने कभी इस चीज़ की कम्प्लेट नहीं की है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं आप लोग इस बात को जानते हैं कि मैं सबको बताती हूँ कि मुझे ये सारे काम करके अपने बच्चों के लिए अपने हस्बैंड के लिए मुझे तो बड़ी खुशी होती है और अलहमद लाहमदुल्ल त ने अभी तक इतनी हिम्मत भी दी हुई है कि सारे काम मैं इजीली कर लेती हूँ मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होती कुछ भी मसला नहीं होता हाँ जब आपके साथ रूटीन शेयर करती तो फिर आप लोगों को लगता है कि गुल तो ये सारे काम खुद करती है क्यों नहीं इनके बच्चे करते वो बच्चे हेल्प क्यों नहीं करते तो जनाब बच्चों को मैंने जो काम करवाने होते हैं वो मैं करवा लेती हूँ और उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया लेकिन हम लोगों ने मैं हमेशा ये भी बात आपको बोलती हूँ कि जिस तरीके से आप खुद पलते बढ़ते हैं ना वैसे ही आप अपने औलादों को भी पालते हैं आ, हम खुद भी ऐसे ही थे हमारे माओं ने हमें ऐसे ही पाला है मैं ऐसे ही पल बढ़ के बड़ी हुई और आप देखें आपको मेरे आपकी लाइफ देख के किसी को यकीन नहीं आता होगा कि मैं वो बंदी थी कि जो मैं बेड से उठ के पानी भी खुद नहीं पीती थी सारे काम हमारे घर में हेल्पर्स या मेरी अम्मी या मेरी भूपियाँ लाइक सारे रिश्ते मैं बैठ के ऑर्डर कर देती कि मुझे ये ला के दे दो तो बेड पे बैठे रहना और वो लाइफ ही और होती है लाइक ये लाइफ तो आप सारी ज़िंदगी फिर याद भी करते हैं तो मेरी वो लाइफ और इस लाइफ में जितना बड़ा डिफरेंस है ना लाइक मेरी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में और शादी से पहले की ज़िंदगी में कि जो मैं आपको बता नहीं सकती लेकिन अगर मेरे जैसा बंदा जिसने कभी उठ के पानी नहीं पिया था वो पूरा घर संभाल लेता है मेहमानों से ले अपने फैमिली से ले इवन कोई तो उसने काम शाम करना है तो वो भी वो सारी चीज़ें अगर मैनेज हो जाती है तो बच्चे मुझे लगता है कि इंसान में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अडाप्टबिलिटी दी होती है कि वो अपने आप को चीज़ों के मुताबिक अपने आप को उस तरीके से बेंड कर लेता है हाँ जो एक चीज़ आपको अपनी औलाद को बतानी चाहिए वो ये है कि उनको बेंड करना आना चाहिए उनको चीज़ों का पता हो कि हमने ये सब कुछ करना है ऐसा नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी यूँ ही बैठे रहेंगे अल्लाह करे कि किसी को मौका ऐसा मिल जाए कि उनको ज़्यादा काम इस तरीके से ना करने पड़े लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर घर की खातन हैं तो उनको ये घर के सारे काम करने ही पड़ते हैं डजन मैटर कि वो बेशक वर्किंग हो या घर में बैठने वाली हाउस वाइफ्स हों तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं बस मैटर ये करता है कि आपको जब पाला जाए तो आपको ये बताया जाए कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं और वो इन आ, कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को बताने की अल्लाह करे कि उनको ये सब चीज़ें याद रहें और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएँ तो वो ये सब कुछ ऐसे ही करेंगे जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है क्योंकि जिस तरीके से अपने आपके बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं ना वैसे ही वो बड़े बन होकर बनते हैं कोई ज़्यादा वो कहते हैं ना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता सेम ही बनते हैं या बच्चे अपने लड़के अपने बाप जैसी और लड़कियाँ अपनी माँ जैसी तो बस ना मैंने कहा आज आप लोगों के साथ ये चीज़ें भी शेयर करती हूँ और साथ थोड़ी थोड़ी साथ में बातें भी हो जाती हैं क्योंकि जब भी मैं मॉर्निंग की रूटीन या मैं कोई भी अपने घर की सफाइयों की क्लीनिंग की रूटीन जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना तो इस तरह की बातें ज़रूर लोग करते हैं तो मैंने कहा आज फिर करेंगे तो इससे बेहतर है कि मैं आज पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि ये चीज़ें बार बार मैं आपको उस तरीके से एक्सप्लेन तो नहीं कर पाती कि हर कमेंट पे मैं जाके उसका रिप्लाई नहीं करती तो इसलिए मैंने कहा चले आज इसी वक्त मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ तो जनाब पहले आप लोगों ने देख लिया कि मैंने कुछ बच्चों के नाश्ते वगैरह बना दिए नाश्ते उनको मैंने दे दिए सारे बच्चों को मैं इकट्ठा बना लेती हूँ फिर उनको अलग से प्लेट्स में डाल के सारे बच्चों को सर्व कर देती हूँ साथ में मैंने बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाना था आपको ये भी पता है कि मेरे जो तीन बड़े बच्चे हैं वो तीनों जो उनकी प्रेफरेंस होती है कि स्कूल में वो पिज़्ज़ा वगैरह लेके जाएं बाकी चीज़ें ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं लेकिन जबराइल को अच्छे लगते हैं बर्गर तो उसका बर्गर मैंने बनने के लिए रख दिया एयर फ्रायर में बेशक दो लेयर्स हैं लेकिन आ, मुझे टॉप लेयर पर पिज़्ज़ा बनाने का मजा आता है और टॉप लेयर पे ही मुझे बर्गर बनाने का मज़ा आता है इन दोनों का टेम्परेचर एंड इन दोनों की टाइमिंग भी डिफरेंट है तो इसलिए मैं सेपरेटली उन चीज़ों को बनाती हूँ तो एक चीज़ बन गई दूसरी मैं बनाने लगी हूँ अब मैं क्या करती हूँ कि मैं ये लेती हूँ जी पेपर टॉवल और उसको मैं छोटे छोटे उनको अगर ऐसे मैं फोल्ड करती हूँ ना तो वो बिल्कुल ये मेरे लंच बैग बॉक्स के साइज़ का बन जाता है इस तरीके से ताकि अगर पिज़्ज़ा गर्म हो या बर्गर गर्म हो तो बहुत ज़्यादा उसमें वो कहता है ना वो कुछ होता है ना कि उनको बहुत ज़्यादा वेट हो जाते हैं तो उस तरीके से भी बच्चे खाते नहीं है तो मैं एक टिशू का जो पेपर है वो मैं ज़रूर डाल देती हूँ नीचे ताकि जब भी मैं कोई गर्म फूड उसके ऊपर रखूँ तो वो उसकी वजह से वो अपना उसमें उस तरीके से वो सॉगी ना हो जाए ये चीज़ें रख रही हूँ साथ में आपको दिखाती हूँ कि बच्चों को लंच में और क्या पैक करके देती हूँ आज आपको सारी डिटेल्स भी दिखाऊंगी आपको कुछ तो पता ही है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पहले लास्ट टाइम से लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल्स वगैरह दिखा देती हूँ क्योंकि बच्चों की चॉइस थोड़ी थोड़ी चेंज होती हैं लेकिन मेरे बच्चों की च्ईसेस बिल्कुल भी चेंज नहीं होती हाँ स्नैक्स में कभी अप एंड डाउन हो जाती हैं चीज़ें लेकिन मेरे बच्चे सेम चीज़ें सालों साल से खा रहे हैं द जाना ये पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स तकरीबन जब से उसने स्कूल स्टार्ट किया वो खा रहा है तो अब ख़ुद सोचने वो बोर भी नहीं होता लाइक उसको ये भी नहीं होता कि मैं अम्मेसे खाया नहीं जाता वो खाता है वो सारी चीज़ें और अगर बल्कि मैं कभी चेंज कर दूँ तो, तो मुझे बोलता है कि अम्मा नहीं मुझे ना ये सेम दिया करें ये ईजी होता है खाने में इसकी स्मेल नहीं होती आप जब अपने क्लास फेलोज़ के साथ बैठ के खाते हैं तो ये स्मेल हमारे क्योंकि हमारे पाकिस्तानी फ़ूड की आपको पता स्मेल आती है चपली कबाब दे, दे दें बर्गर्स दे दें खुद के बनाए हुए या अगर आप लोग कुछ भी देते हैं पराठे दें कुछ दें तो उनको स्मेल आती है तो इसलिए द वो चीज़ें लेके जाता है जिसकी स्मेल ना और वो सब में बैठ के खा सके तो बस द तो सिर्फ पिज़्ज़ा लेके जाता है और कुछ भी साथ नहीं लेके जाता और बाकी बच्चे जो है उनके लिए मैं चार पांच चीजें जरूर ऐड करती हूँ क्योंकि जब वो खाएं तो उनके पास चार पांच चीजों की ऑप्शन हो अब बेबरस भी ऐसी उस स्टेज पे जा रही है जब वो कहती है कि माँ मुझे लंच ना दिया करें मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि जैसे जैसे वो आप हायर ग्रेड्स में जाते हैं आपके पास जब आपका ब्रेक टाइम भी होता है तो उस वक्त भी आपके पास कोई ना कोई काम होता है करने के लिए तो बच्चे खा नहीं सकते हैं तो बेबरस भी अक्सर अब अपना लंच वापस लेके आती है लेकिन मैंने उसको बोला कि नहीं जब तक आप जूनियर हाई में हो तो आप खाओ पियो और उसके बाद जब हाई स्कूल में जाओगे तो फिर मैं आपको भी सिर्फ आपका लंच दूँगी बाकी स्नैक्स वगैरह अगर आपने स्किप करने हैं तो आप कर सकती हैं तो बस जनाब यही है कि कुछ मैंने यूँ किया आपने देख लिया कि मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा रखा उसके बाद उनके लिए कुछ मैंने रख दिए थे क्यूकम्बर्स साथ में एप्पल कट करके दे दूँगी और साथ में छोटे छोटे स्नैक्स कुछ ब्राउनीज़ वग़ैरह हैं उस तरह की चीज़ें मैं आपको दिखा दूँगी तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना ये बार बार ये जो आप पैक करते हैं आपको आदत हो जाती है आप आंखें बंद करके लंच पैक करते हैं मुझे रात को ये पता होता है कि मैंने सुबह उठ के ये ये पैक करना है इनके लिए ये इन लोगों ने नाश्ते में खाना है तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे पास सोचने का टाइम नहीं होता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम वाकई नहीं होता कि मैं उसको सोच सकूँ तो रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ पकाना क्या है कल और रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि बच्चों को नाश्ते में क्या देना है और लंच में क्या देना है तो सुबह उठते ही ना आप ऑटो पायलट पर लग जाते हैं और सारे काम आप करते जाते हैं क्योंकि ये सोचने का जो काम है ना ये हम लोग अगर करना शुरू करते हैं ना मॉर्निंग में तो बस फिर तो हम लोगों के वो कहते हैं ना बात पूरी हो गई फिर हम लोगों का टाइम जो है ना वो बड़ा ख़राब हो जाता है मैं तो सोचने बैठ जाऊँ ना तो मैं बड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ आप यकीन करें कि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मॉर्निंग में उठ के अपने बच्चों से अपने हस्बैंड से पूछूँ कि आज क्या पकाना है मेरी कोशिश होती है कि रात के खाने की टेबल में पूछ लूँ उनसे कल बच्चों क्या खाओगे अगर वो नहीं बताते बहुत कम ऐसा होता है तो मैं उसमें फिर अगले दिन मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही होती हूँ कि ये बनाऊँगी तो वो खाएगा कि नहीं खाएगा ये बनाऊँगी तो उसको अच्छा लगेगा तो नहीं लगेगा तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को बच्चों से अपने हस्बैंड से पूछ लूँ उसके मुताबिक मीट मैं निकाल के फ्रिज में डाल दूँ ताकि वो डीप फ्रॉस्ट हो जाए तो अगले दिन खाना पकाना आसान हो जाता है आप लोग भी ये करके देखिएगा कि एक दिन पहले आप लोग डिसाइड कीजिएगा तो आप लोग देखेंगे कि अगर आपने मीट निकाल दिया ना डीप फ्रॉट होने के लिए ओवर but <laughs> तो आप लोगों को लगेगा आपके खाने का टाइम भी बच जाता है और आप झटपट में ये सारे काम करके फ्री भी हो जाते हैं मुझे तो जब से मैंने ये ज़िंदगी में ये रूल बनाया था ना कि एक दिन पहले खाने को डिसाइड कर लो तो उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया था वरना एक टाइम था मैं रोज़ सुबह उठ के पूछती थी नाश्ते के कि बच्चों क्या खाओगे अम्मा अभी बताते हैं अभी बताते हैं नब्द है, से पूछती थी क्या खाएंगे अच्छा अभी बताते हैं अभी तो नाश्ता करने दो फिर इस ये करते करते दोपहर हो जाती थी और दोपहर में जाके मुझे खाना बनाना पड़ता था और वो भी पूछ पूछ के तंग हो होके कि क्या बनाए क्या ना बनाए तो बस वो रूटीन मैंने अपनी सेट कर ली थी तो इस तरीके से अगर कुछ चीज़ें जो आपके घर की चीज़ें हैं ना लाइक आपके बच्चों का नाश्ता आपके बच्चों का लंच आपके बच्चों का अगले दिन का डिनर अगर ये आप रात को सोने से पहले आप जहन में बना लें कि आपने कल क्या क्या करना है तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आप लोग मुझे दुआएँ देंगे और हो सकता है बहुत सारे लोग इस तरीके से कर भी रहे होंगे क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी माएँ इस तरीके से करती भी हैं कि वो रातों को ही सारी चीज़ें डिसाइड कर लेती हैं सुबह उठ के बस उन्होंने ये करना होता हो तो उसका उसको जल्दी जल्दी उन्होंने वही वो चीज़ें करना स्टार्ट करनी होती हैं तो बस जना अब ये यहाँ की ज़िंदगी है इस तरह के रूल्स हैं कि जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं तो इसलिए आप लोग ये ज़्यादा आपको थोड़ा सा इसका बर्डन भी लगता है या आप थोड़ा सा थोड़ा तंग भी हो जाते हैं कभी कभी लेकिन पाकिस्तान में तो भाई लोगों के मज़े हैं हेल्प्स होती हैं घर में अभी तो मैंने बहुत जगहों पर सुना है बहुत जगहों पर मैं सबकी बात नहीं कर रही बहुत जगहों के बारे में मैंने सुना है कि वो लोग ख़ुद उठते भी नहीं हैं बच्चों को तैयार करने के लिए मॉर्निंग में या उनको नाश्ता वगैरह करवाने के लिए या अगर वो उठते भी हैं तो नाश्ता करवा बच्चों को भेजने के फौरन बाद वो सो जाते हैं और नाश्ते बनाने से लेके बच्चों को तैयार करने तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो घर के हेल्पर्स की होती है आ, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैंने मुझे पता है कि कुछ लोगों की लाइफ ऐसी है सबकी लाइफ ऐसी नहीं है इसलिए प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं सबको ऐसे कह रही हूँ लेकिन मैं अपने कुछ जानने वालों को ऐसे जानती हूँ जो बिल्कुल ऐसे ही उनकी लाइफ है कि वो मॉर्निंग में उठते हैं अपने हस्बैंड को और बच्चों को भेजते हैं सिर्फ उनको सी ऑफ करना उनका काम होता है नाश्ते बनाना लंच पैक करना बच्चों को तैयार करना वो मेड्स करती हैं खुद नाश्ता नहीं करती है। खुद सो जाती हैं फिर दोपहर के टाइम पे उठ के वो लोग अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं फिर से तो यहाँ पे थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है आप जब सुबह एक दफ़ा साढ़े पाँच उठ गए उसके बाद आपने रात को ही अपने बेडरूम में जाना है सोने के लिए हाँ वीकेंड्स में मैं कभी कभी ज़रूर छोटी मोटी नैप लेती हूँ क्योंकि वो मुझे पावर नैप्स बड़ी अच्छी लगती हैं तो बस ये पावर नैप्स की बात हो रही है तो साथ में दजाना साथ जाने का टाइम हो गया दजाना जा रहा है खैर से आप देखें आज थोड़ा सा हमारे पास वेदर फिर अच्छा होना स्टार्ट हो चुका है इसीलिए कोई बात आपको सर्दी उस तरह का वेदर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आप अगले कुछ दिन हमारे पास अच्छा वेदर चलेगा अभी टाइम हो गया है जी बच्चों के बाल बनाने का तो जिब्राइल तो आज बाल ऐसे खुले ही लेके जाएगी उसको खुले बाल बड़े अच्छे लगते हैं और जब बेब्रस्ट भी खुले ज़्यादा रखती है लेकिन आजकल उसके कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे चल रहे हैं स्कूल में जिसमें कहती है अम्मा बाल आगे आते हैं फेस पर तो मुझे बहुत तंग करते हैं तो इसको ब्रेड्स अच्छी लगती हैं लेकिन ये ब्रेड सादा ब्रेड इसको नहीं अच्छी लगती जी बेब्रस जब भी ब्रेड बनवाती है इसको फ्रेंच ब्रेड्स ही अच्छी लगती हैं तो इसका इसकी कोशिश होती है कि अम्मा मेरी मॉर्निंग मोट के ना फ्रेंच ब्रेड बना दें तो ये चीज़ें भी आपने मैनेज करनी होती हैं क्योंकि बच्चों के हेयर स्टाइल बनाने में या बच्चों के नेल्स कट करने आपने या बच्चों के आपने एयर्स क्लीन करने हैं यानी बहुत सारे काम होते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता तो फिर ये होता है कि जब मैं बच्चों को नाश्ते वगैरह दे देती हूँ मैं कहती हूँ जल्दी से जाओ शॉवर लेके तैयार होकर निकल के आ जाओ जब तैयार होकर आ जाते हैं बच्चे तो मैं इनको बोलती हूँ कि अब नाश्ता करो नाश्ता करते ही एक एक ही आते हैं इनकी मैं कंगी कर देती हूँ बाल बना देती हूँ बाकी बच्चों की आपको मैंने दिखा दिया था कि उनके मिटन और सॉक्स और सब चीजें मिला के टेबल पर रख देती हूं इन बिटवीन जब मैं अभी बैबरस के ये बाल बना रही हूँ तो छोटे तो दोनों बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जि बैब्रस मेरे पास जिब्राइल मेरे पास बैठी है सॉक्स वगैरह पहन लिए शायद उसने और बस ये बैठे हैं अब बैबरस बाजी का वेट हो रहा है कि बैबरस बाजी फ्री हो जाए तो उसके बाद ये लोग तैयार होंगे और फिर इनके भी जाने का टाइम हो जाएगा तो माशा बाल लंबे हैं बच्चों के तो उनको हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी तो यकीन करें मुझसे ब्रेड्स संभलती ही नहीं है और एक आजकल आपको मैंने बताया था मेरे हाथ में थोड़ा दर्द भी रहता है तो उस वजह से भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है ब्रेड्स बनाने में बंस बनाने में जब मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती हूँ बालों में तो फिर मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द होता है तो जिसकी वजह से मेरी ग्रिप थोड़ी कम हो जाती है तो ये मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर बच्चों की ब्रेड्स वगैरह बना रही तो काफ़ी टाइट बनाओ क्योंकि बेब्स के बाल माशाल्लाह माशाल्लाह इतने स्ट्रेट हैं कि अगर आप इसकी ब्रेड बनाए ना तो एक घंटे के बाद ब्रेड जो है ना वो खुलना स्टार्ट हो जाती है तो अगर आप टाइट ब्रेड बनाएंगे तो फिर भी ऐसा होता है कि स्कूल के एंड तक उसके बाल ऐसे ही बने रहें अदरवाइज़ भी उसके बाल खराब हो जाते हैं जल्दी तो लेकिन इनके पास ऑप्शन होती है इन्होंने अपने लिए हेयर टाइज वगैरह रखे होते हैं अपने बैग में कि अगर बाल खुल जाएँ तो उनको पोनी ये बना लेते हैं तो ये देख लें जी वो देखें जी के आपको पाओ नज़र आ रहे होंगे सॉक्स पहन के बैठी हुई है और स्नो सूट उसका पास है बेब्रस के बाल भी मैंने आपको दिखा दिए और मीकाइल आई थिंक शायद तैयार हो रहा है मुझे नजर नहीं आ रहा पता नहीं किधर है वॉशरूम में है या किधर है तो मैंने कहा आपको चले बेब्रस के बालों का फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ बाल बन गए बच्चे तैयार हो गए और अब जा रहे हैं जी स्कूल स्कूल की तैयारी पक्की हो चुकी है तो मैंने इनको बोला बच्चों आज इतनी सर्दी नहीं है क्योंकि बेब्रस जो है वो उसको होता है कि हम ग्लव्स पहनू मैं पहनूँ कि नहीं पहनू मैंने कहा चलो पहन लो क्योंकि उसके पास थिक वाले ग्लव्स नहीं है पहनती उसको अच्छा नहीं लगता तो अब ये मास्क वगैरह भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही बन चुके हैं लाइक बच्चे मास्क एक दफ़ा भूले जित इतने अरसे में एक दफ़ा बहब्रिस मास्क भूल के चली गई थी अदरवाइज़ बच्चे कभी अपना मास्क भी नहीं भूलते हैं लाइक उनकी लाइफ का ये एक पार्ट बन चुका है कि यहाँ पे आना है शूज़ पहनने से पहले हमने मास्क पहनने हैं फिर हमने बैग उठाने हैं और फिर हम लोगों ने यहाँ से निकल जाना है कभी तो मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी हमारी कितनी एक ही सर्टन एक रूटीन के ऊपर चलती है लाइक हमें पता होता है कि घड़ी की सुइयों के साथ हमारा क्या रूटीन है वीक डेज़ का वीकेंड का कुछ नई चीज़ें नहीं होती हैं सब चीज़ें रूटीन पर चलती हैं लेकिन फिर भी लाइफ आपको कितनी अच्छी लगती है ना लाइक अल्लाह ताला ने शायद जिंदगी में वही रंग रखे हैं तभी आपको जिंदगी इतनी अच्छी लगती है डजेंट मैटर कि उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे छोटी छोटी चीजें आपको खुश बना देती हैं छोटी छोटी चीज़ों से आप हैप्पी हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तला ने यह सब कुछ हमें दिया ताकि हम लोग अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी नियमत होती है अल्लाह तला की और अल्लाह तहत नियमत हो और ये अल्लाह ताली की रहमतें हम पे इसी तरीके से बरसती रहें और अल्लाह हमें अपने हफ्जो में रखे आमीन सुमीन तो चलें जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग यही थी मेरी मेरी आज रूटीन प्योर मॉम्स मॉर्निंग रूटीन इसमें मैंने अपना कोई काम नहीं किया सिर्फ बच्चों की रूटीन आपको दिखाई कि हम किस तरीके से अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं क्या होता है सारे दिन में और, और किस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं क्या टाइमिंग होती है सब कुछ मैंने आज आपके साथ शेयर किया है अपने रूटीन उम्मीद करती हूँ कि आपने ये मेरा आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा आपको अच्छा लगा होगा बहुत कोशिश करती हूँ और इस तरह की भी जो व्लॉग्स होते हैं उस पर तो मेरी एक्स्ट्रा मेहनत होती है इसलिए अगर जब भी आप अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस तरह के जो होते हैं ना व्लाग्स जिसमें मैं मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है क्योंकि बच्चों के साथ कैमरा पकड़ के फिल्म करना आसान नहीं होता लेकिन जब आप इसको पसंद करते हैं तो मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ सो थैंक यू सो मच इन एडवांस और अभी मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त उम्मीद करती हूँ आपने आज का ब्लॉग इन्जॉय किया होगा अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पर सेम चैनल पर एक नए ब्लॉग के साथ तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल और हमें रखिएगा आप अपने दुआओं में याद टेक केयर जी अल्लाह हाफिज़